नमस्कार दोस्तों, GDPL टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक और आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के, ये वाला हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों की बार बार डिमांड चल रही थी, तो धीरे धीरे इन वीडियोज के माध्यम से हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में चर्चाएं करेंगे कि किस तरह से किस तरह से हम इनको इजी वे से तैयार रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर और वैसे भी बहुत ही काम आते हैं। ये वाले जो मैटर है, इसका कंटेंट है, वो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। और अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है, तो बेझिझक आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें। फीडबैक के माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं, और आपको ईमेल आईडी भी दी हुई है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपना जो भी आपका कोई कंटेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर हो, सो दैट आप लोग ईमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। अगर अच्छा होगा तो डेफिनेट हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अगर ये आपको पसंद आता है ये वीडियो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और हमारे YouTube चैनल GDPL की वीडियोस की अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, आज के इस स्पेशल वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक से। सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंबली को। देखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें, तो देखिएगा, कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स और पर्सन ऑन सर्टेन पॉइंट्स। ये पॉइंट भी आपको तैयार रखने, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इच कोल्ड सिमले, फिर यहां पर देखिएगा, इसको रिकॉग्नाइज करने के सबसे ज्यादा तरीके, कॉमनली जो ये वर्ड यूज होते हैं सिमले में, वो देखिएगा बहुत अच्छा होता है इसको रिकॉग्नाइज करने का, तो इस वजह से बहुत अच्छा रहेगा। देखो, जैसे लाइक, एज, या फिर जस्ट, इन द सेम वे, या इवेंट, सो, या एज सो, एटसेट्रा वर्ड है वो काम में ले जाते हैं। तो कॉमनली लाइक और एज वर्ड आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, सो दैट आप लोग इजी वे से रिकॉग्नाइज कर सकें कि असेंबली है। तो देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, कंपेरिजन बिटवीन टू डिससिमिलर थिंग्स और पर्संस ऑन सर्टेन पॉइंट्स इज कॉल्ड असेंबली। और इसमें कॉमनली जो वर्ड यूज होते हैं वो देखिएगा, लाइक, अस, जस्ट, इन द सेम वे, इवेंट, एंड सो, एज सो, एटसेट्रा। तो इस तरीके से इवन एट हो गया, इवन एट सो हो गया, एज सो हो गया, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो थाई साउल वाज लाइक ए स्टार, यहां पर लाइक वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, कि किसे है, सिमली है, क्योंकि देखिएगा यहां पर हमने डिस्कस किया है, राइट। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, तो यहां पर ये लाइक वर्ड है, क्या है, लाइक वर्ड है, ये कंपेरिजन हो रही है, ओके। और ये लाइक वर्ड और एज वर्ड इत्यादि आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिमली कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे मेटाफर। मेटाफर देखिएगा, कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स और पर्संस ऑन ऑल पॉइंट्स। देखिएगा यहां पर हमने सिमले में पढ़ा था ऑन सर्टेन पॉइंट्स, और यहां पर है ऑन ऑल पॉइंट्स और इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में जो एक अंतर हमें यहाँ महसूस हो रहा है, देखिएगा यहां पर ऑन सर्टेन पॉइंट्स ले रहे थे और यहां पर ऑन ऑल पॉइंट्स ले रहे हैं और इन ऑल रेस्पेक्ट्स, राइट, इज कॉल्ड मेटाफर। जैसे ही इज स्टार ऑफ द फैमिली, ही इज स्टार ऑफ द फैमिली, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, या केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्या, केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सिमली की बात करें तो कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स और पर्संस ऑन सर्टेन पॉइंट्स इज कॉल्ड सिमली। कॉमनली वी यूज अवर लाइक, एज, जस्ट, इन द सेम वे, इवन, एट, सो, एज, सो, एटसेट्रा वर्ड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, थाई साउल वॉज लाइक ए स्टार, और अनदर एग्जाम्पल, माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, राइट गाइज। एंड इफ वी टॉक अबाउट मेटाफर, देन कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स और पर्संस ऑन ऑल पॉइंट्स और इन ऑल रेस्पेक्ट्स इज कॉल्ड मेटाफर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टार ऑफ द फैमिली, जस्ट, केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। टू बी क्लियर गाइज, देखिए कब आगे बढ़े तो अगले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन जो होता है इसमें देखिएगा क्या होता है, समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बींग्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, राइट गाइज। अब इसमें देखिएगा जो हम लोग यहां पर ये देखिएगा, डेथ लेस इज आई सी हैंड ऑन किंग्स, या फिर हमने कहा लव इज ब्लाइंड, यानी कि इसमें क्या कर दिया गया कि लाइफलेस जो थिंग्स है अर्थात जो जिन चीजों में जान नहीं है, जो निर्जीव वस्तु है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया जैसा कि वो ह्यूमन बींग्स हो। लाइक हमने कहा कि लव इज ब्लाइंड, बल्कि प्यार की तो आंखें नहीं होती लव के तो, बट हमने क्या कहा लव इज ब्लाइंड, सो दैट हियर वी आर गोइंग टू ट्रीट और वी आर गोइंग टू ट्रीटेड एज इफ दे आर ह्यूमन बींग्स, ओके। सो वी कॉल लव इज ब्लाइंड। सो एज द डेफिनेशन एज वी डिफाइन हियर, समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बींग्स कॉल्ड प्रसोनिफिकेशन, राइट। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं डेथ लेस हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, और सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है उसमें देखिएगा अनदर एग्जाम्पल की बात करें तो लव इज ब्लाइंड। तो इस तरह कहने का मतलब ये क्या हो रहा है कि लाइफलेस थिंग्स है उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया जिससे वो ह्यूमन बींग्स है, राइट। अब अगला है एपोस्ट्रोफी, इन दोनों में थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही थोड़ा नजदीकी, जैसे अपन ने पहले मेटाफोर सिमिली को लिया था उनमें भी हम लोगों को अंतर देखना था किस किस तरीके से वो क्लोज हो रहे थे, कैसा क्या उनमें अंतर था, इसी तरीके से इनमें क्या है देखिएगा। इसमें समटाइम लाइफलेस थिंग्स यहां तक इक्वल सा दिखाई दे रहा है, समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स यहां पर भी हमें इक्वल दिखाई दे रहा था, आर यहां पर डिफरेंट आ गया, आर एड्रेस्ड एज ह्यूमन बींग्स, यानी कि इनको किसकी तरह एड्रेस किया जाता है जैसे वो ह्यूमन बींग्स हो, राइट गाइज। और यहां पर हम लोग ट्रीट कर रहे थे एज इफ दे वर ह्यूमन बींग्स, टू बी क्लियर। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर देखना है, ध्यान रखना है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ओ डेथ कम सून, यहां पर देखिएगा ये निशान भी लगा हुआ और क्या लिखा हुआ है ओ डेथ कम सून, तो ये किस तरीके से इसको एड्रेस किया गया है डेथ को जैसे कि वो क्या है, क्या है जैसे ह्यूमन बींग्स हो। और ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, फॉर एग्जाम्पल ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, तो यहां पर दोनों एग्जाम्पल लिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पर्सोनिफिकेशन जो होता है वो समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बींग्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड, और अनदर एग्जाम्पल डेथ लाज इज आईसी हैंड ऑन किंग्स, ओके। सो हियर आर टू एग्जाम्पल्स, लाइक डेथ लाज इज आईसी हैंड ऑन किंग्स एंड अनदर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड। बट इफ वी टॉक अबाउट एपोस्ट्रोफी देन समटाइम्स lifeless things are addressed as human beings called apostrophe, for example oh death come soon, another example oh liberty why are you so dear, to be clear। next की तरफ हम लोग move करते हैं। अब अगर बात करें pun, तो pun is a play on words, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं pun is play on the different meaning of a word, to be clear। ये यहां पे बात focus करने वाली है कि पन इज प्ले ऑन द डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए वर्ड, टू बी क्लियर गाइस। फॉर एग्जाम्पल एन अमस्टर लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, यहां पे फिर से देखेगा यहां पर जो हमारे डेफिनेशन है वो है पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स, इट मीन्स पन इज प्ले ऑन द डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए वर्ड, ये फोकस करने वाली बात है, टू बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल An amateur lies abroad for the good of his country. यहां पे देखिएगा ये lies, lies, lies tells lies. To be clear. अब next की तरफ बढ़ते हैं alliteration. To be clear. ये वाला clear हो गया, इस पे main focus इस पे करना है कि ये क्या कह रहा है। तो क्या है pun is play on the different meanings of a word. ये वाला point जो है वो important है यहां पर इसके definition को समझने के लिए, ठीक है। और हमने फॉर एग्जाम्पल समझा एन एमस्टर लाइज एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब बात करते हैं एलिट्रेशन, यहां पे इस वाला जो वीडियो है इसमें हमने कुछ मोस्ट मोस्ट लिए हैं जिनके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है एज यू नो गाइस, तो हम लोगों ने इसके पार्ट बना दिए, ये वाला हमने फर्स्ट पार्ट रखा है। तो देखिएगा इसमें आगे बढ़ते हैं एलिट्रेशन को लेकर के, तो एलिट्रेशन की बात करें तो द यूज ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विथ और कंटेनिंग द सेम लेटर और साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फिर से देख लीजिएगा द यूज ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विथ और कंटेनिंग द सेम लेटर और साउंड, ये बात ध्यान में रखने वाली, इस तरह से भी सवाल पूछ लिया जाता है तो क्या कह रहा है द सेम लेटर और सेम साउंड,
इट्स कॉल्ड एलिट्रेशन, टू बी क्लियर। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, इन ए समर सीजन व्हेन शॉर्ट वाज द सन, ये एग्जाम्पल हमने लिया है इसको समझने के तौर पर। फिर से देख लीजिएगा, द यूज ऑफ वर्ड बिगनिंग विथ और कंटेनिंग द सेम लेटर और साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यहां पर देखिएगा, हमने इस वाले पे फोकस करना है, इसमें पन में किसको करना था, इसको डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए वर्ड, इसको हमें ध्यान में रखना था। देखिएगा, पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स, पन इज अ प्ले ऑन द डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एन एमस्टर लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। और यहां पर हमने एलिट्रेशन में लिया, द यूज ऑफ द वर्ड्स बिगनिंग विथ और कंटेनिंग द सेम लेटर और साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन, टू बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इन ए समर सीजन वहन सॉफ्ट वॉज द सन, ये वाली जो कंटेंट था हमारे एक्सपर्ट के द्वारा तैयार था। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट पार्ट में कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में वो डिस्कस करेंगे। इस वाले पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।